आज की वीडियो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के स्पेसिफिकली होटल्स, उनके डिस्टेंस, उनके प्राइसेस के बारे में है। सो वॉच द वीडियो टिल एंड, दिस गोना बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द क्लाइंट्स हु आर गोइंग फॉर उमरा एंड हज इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, सैयद हसन रजा टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस, अपडेट्स वगैरह लेके आते हैं ऑन डेली बेसिस। आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम उन हजरात के लिए जो मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में टूरिज्म के सिलसिले में जाते हैं या उमरा और हज की सआदत के लिए जाते हैं। तो आज हम होटल्स के ऊपर और उनकी प्राइसेस के ऊपर, उनके डिस्टेंस है और वहाँ पर कौन सी खास बातों को जो है वो सामने रखना चाहिए और आपको जिसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी होती है, ताकि आप डिफरेंट जो ट्रैवल टूर एजेंट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट उनके ट्रैप होने से आप बच सकें। अगर आप मक्का मुकर्रमा की बात करते हैं, वहाँ पे जो आपके होटल्स आते हैं वो 200 मीटर के डिस्टेंस से लेके ऑलमोस्ट कोई 350 मीटर के डिस्टेंस के अंदर जो होटल्स आपको मिलते हैं, उनमें आपको मक्का टावर मिलता है, क्लॉक टावर मिलता है, जो मेन मक्का की जो क्लॉक टावर की बिल्डिंग के अंदर होटल्स हैं, क्योंकि दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। उसमें आपको ली मेरिडियन होटल मिलता है, आपको पुलमैन जमजम मिलता है, मूव एंड पिक होटल है। ये सब होटल्स जो हैं वो आपको ऑलमोस्ट कोई 200-250 रियाल से लेके कोई 800 रियाल की ब्रैकेट में आपको ईजिली मिल जाते हैं। इनकी बहुत ही खास बात यह है कि ये 3-5 स्टार होटल्स हैं, ऑल 3-4-5 स्टार होटल्स इनको कंसिडर किया जाता है। और यहाँ से आपको जो व्यू, एक्चुअल काबा का जो व्यू है वो बहुत क्लियरली आपको मिलता है। अगर आप इसमें बात करते हैं इसके अलावा होटल्स की, तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। अगर आप इससे कम होटल्स पे अगर आप जाना चाहते हैं, सो यू हैव टू चूज़ द होटल विच इज़ ऑलमोस्ट अवे, लाइक 400-500 मीटर्स अवे फ्रॉम मेन काबा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस पे, कितने जितना नज़दीक आप जाएंगे उतनी प्राइसेज जो है वो आपकी हाई हो जाती हैं। जितना आप उससे अगर 700 मीटर दूर, 800 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर, अगर आपकी ट्रांसपोर्ट, आप डिपेंड करते हैं कि आपके ट्रैवल टूर एजेंट ने आपके पैकेज के अंदर कौन से होटल कितने डिस्टेंस पर डाले हुए, तो आप ख़ुद भी होटल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताए हैं, इसमें ली मेरिडियन होटल भी आ जाता है, इसमें आपका स्विस होटल भी आता है। तो बहुत सारे होटल्स हैं जो आपके उसी 400-500 मीटर के डिस्टेंस में आपको मिलते हैं, जहाँ से ईजीली आप वॉकिंग डिस्टेंस पे काबा में आ सकते हैं। इस तरह अगर आप मदीना की बात करते हैं, मदीना में भी आपके बहुत सारे डिफरेंट गेट्स हैं, जो कि टोटल 42 गेट्स हैं मदीना के, जिसमें अगर आप मेनली बात करें तो लेडीज़ और जेंट्स का जो गेट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर दिए गए हैं कि आप जो लेडीज़ हैं वो 13, 14 और 15 गेट से लेके 23, 24 ऑनवर्ड्स 30 नंबर गेट तक आपकी जो है वो स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए सिलेक्टिव हैं। और इस तरह अगर आप जेंट्स की बात करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 से लेके आपके 12 तक जो है वो जेंट्स के गेट्स हैं, फिर आपके ऑनवर्ड्स 15 से स्टार्ट होते हैं और 22 तक गेट आते हैं, फिर आपके 30 के बाद गेट्स ऑनवर्ड 41 तक जो है वो जेंट्स के गेट्स आते हैं। तो इनमें भी अगर आप बात करें, तो जितने भी सिटी के नज़दीक और हरम के नज़दीक आपके होटल्स होंगे, उनके डेफिनेटली उनको 0 मीटर कंसिडर किया जाता है। तो आपके सबसे एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें 5 स्टार होटल्स आपके आते हैं। अगेन उनकी जो प्राइसेज हैं, क्योंकि सेम ब्रांचेस जैसे मक्का में है, वैसे ही ब्रांचेस आपकी मदीना में मिलती हैं। जैसे मेन आपको एक मदीना होटल भी मिलता है, और आपको ली मेरिडियन और आपको इसमें जो है वो पुलमैन जमजम और मूव एंड पैक, ये सब 4-5 स्टार होटल्स हैं आपके, जो कि एक अच्छे आपको एक एटमॉस्फेयर में रहते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है आप इतनी दूर माशाल्लाह सआदत आपको मिलती है हज उमरा की, और आप इतनी दूर जाते हैं, तो आप कोशिश यही करते हैं कि आपको हरम के बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि आपको जितना कम डिस्टेंस होगा उतना आप ज़्यादा इबादत के अंदर जो है वो टाइम गुजार सकते हैं, उतना आप अच्छे तरीके से इबादत कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है डिपेंड करते हैं कि आप जितने दूर होटल होगा, तो आप थक के ही जब आएँगे तो आप उस तरीके से इबादत में जो है वो आपके खलल पड़ता है। तो बहुत सारा जो है वो आपके कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि जितने नज़दीक होंगे उतने हम अच्छे तरीके से ज़्यादा हम इबादत की जो है वो सआदत हासिल कर सकते हैं। टूरिज़्म के हवाले से अगर आप बात करें, तो ये वीडियो टूरिज़्म के हवाले से भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप मिनिमम बात करें, तो आपको 150-125 रियाल से होटल जो है वो मिल जाता है मदीना के अंदर भी। उससे भी यही है कि आपको ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर पे आपको जो है वो रहना पड़ता है, और बहुत सारे डिपेंड करते हैं आपके ट्रैवल टूर पैकेज के ऊपर, क्योंकि हम डिफरेंट पैकेज हैं जिसमें अनाउंस किया जाता है
कि आपके उसमें खाना भी इंक्लूड होता है, उसमें खाना नहीं भी इंक्लूड होता है, नाश्ता इंक्लूड होता है, प्लस आपकी ज़्यारात इंक्लूड होती हैं। और ज़्यारात की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। अगर आप कार करवाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 200 रियाल की जो है वो एक कार मिलती है, जिसमें 4 से 5 बंदे जो हैं वो डिफरेंट ज़्यारात कर सकते हैं। और अगर आप उसमें हाइस्ट करवाते हैं, इसमें 15 से 17 बंदे होते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 600-700 रियाल की एक हाइस्ट जो 15-16 अगर लोग होते हैं उनकी बुक हो जाती है। और अगर आप और ज़्यादा पूरे ग्रुप्स के हिसाब से गए हुए तो आपको ऑलमोस्ट 12-1300 रियाल की एक 32 से 35 लोगों की एक जो गाड़ी है वो मिल जाती है, जिसमें आपकी डिफरेंट ज़्यारात सेलेक्टिव ज़्यारात होती हैं, जिसमें आप जो है उसको अटेंड कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर अपने ताइफ और मस्जिद जिन वगैरह जाने, क्योंकि वो ज़्यारात के पैकेज में नहीं आता, तो उसके लिए इस पर आपको सेपरेटली जो है वो ऑन योर ऑन आपको उसको बेयर करना पड़ता है। ये डिफरेंट जो है पैकेजेस आपको मिलते हैं। और इसके अलावा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आपको सऊदीया में आपने कहीं होटल के अंदर बुकिंग्स करवानी है, या आपने वहाँ पे जाके रहना है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है आपने डिफरेंट किसी भी मुतालिक सऊदीया के अंदर मदीना में और मक्का के स्पेशली हज और उमरा के लिए, आप मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।